Hey fellas, you guys, and today we're back with another video, guys. और 22 दिसंबर आज और 21 दिसंबर को मेरे को एक कमेंट आता है, इस बच्चे को पीसी किसने दे दिया? पहला ये क्वेश्चन है आपका। मेरा पीसी मेरे पापा ने दिया है, i5 8GB रैम थी, 4 कोर वाला, ठीक है। फिर मैंने इसे अपग्रेड करा और बहुत अपग्रेड करा, अब ये i7 है, 16GB रैम है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड भी है। और आगे है कमेंट की IAS वैसबन, भाई दुनिया का बेस्ट हिंदी बोलने का अवार्ड गोज टू, तो बड़ा आया भी लिखा है IAS वैसबन, देश को संभाला IAS वैसबन, देश को संभाला, बड़ा आया IAS वैसबन, देश को संभाला। वाओ, बेस्ट हिंदी भाई, हिंदी लिखनी तक नहीं आती। और एक बात बताऊं तू मेरे को, इसका इनडायरेक्ट वे में इसने ये लिखा है, पर इसका डायरेक्ट में मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है मेरे में दिमाग नहीं है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये चीज जानते हो, व्हाइट हैट जूनियर का नाम सुना है आपने? व्हाइट हैट जूनियर का, फोकस कैमरा, फोकस कैमरा, हाँ व्हाइट हैट जूनियर का नाम सुना है आपने? टीवी में ऐड देखा होगा, नहीं देखा मैं कुछ नहीं कर सकता, यूट्यूब पे तो देखा होगा, नहीं कर सकता मैं कुछ भी। ये देखो, रेहान सिद्दीकी लिखा हुआ है, सिग्नेचर्स भी हैं, अबे फोकस हो जा, हाँ ये रहा, ये सिग्नेचर्स भी हैं, सिग्नेचर दिख रहे हैं? ये किसके सिग्नेचर है? चेयरमैन व्हाइट हैट जूनियर के, चेयरमैन के सिग्नेचर्स है। रेहान सिद्दीकी सर्टिफाइड गेम डेवलपर लिखा हुआ है साफ साफ, व्हाइट हैट जूनियर का भी है। और ये देखो सर, आप कहाँ गया मेरा वो, हाँ ये रहा कार्ड, ये मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं व्हाइट हैट जूनियर वाले, फोकस 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 कार्ड फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, अब ये नहीं पता क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें छोटा लिखा है पता नहीं, पर यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे भी रेहान सिद्दीकी लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता तो, पर ये देख रहे हो तुम, ये सर्टिफाइड है, यहाँ पे पूरा वो लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। फॉर एक्सपोनेंशियल स्किल्स एंड ऑटोकॉम्स इन गेम डेवलप विद डीपली UI/UX इंटरफेस, व्हाइट हैट जूनियर सर्टिफाइड गेम डेवलपर, सर्टिफाइड का वो भी है यहाँ पर, और ये सिग्नेचर भी है, चेयरमैन ऑफ व्हाइट हैट जूनियर, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नाम बहुत बड़ा बड़ा लिखा है साफ साफ। और अब बताता हूँ मैं क्या, अब मैं एक बात बताऊँ, तुम जैसे समय डिमोटिवेट नहीं होने वाला, बिकॉज तुम एक डिमोटिवेट कमेंट करोगे ना, उसके 1000 मोटिवेशन बातें सुनने को मिलती है मुझे। मेरे घर वाले, मम्मा पापा और मेरी बहन चाचू, सब मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं ना, मेरे दोस्त इतना मोटिवेट करते हैं, गौरांश को देख लो, आरुष को देख लो, और बाकी सारे दोस्तों को देख लो, अमन को देख लो, सब इतना मोटिवेट करते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक कमेंट करोगे मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को ना कोई वो नहीं है तुम्हारे कमेंट से, तुम मेरे को कितना भी डीमोटिवेट कर लो, डीमोटिवेट होने नहीं वाला। तुम ऐसे छोटे यूट्यूबर्स के पास आते हो मेरे जैसे, जिनके पास 70 सब्स है, ताकि वो यूट्यूब छोड़ दे, हम छोड़ने नहीं वाले बेटा, हम पक्के लोग हैं, छोड़ते नहीं है कुछ आसानी से, ठीक है ना। और ये हल्का सा पता नहीं ये क्या सोच रहा है कि इसने एक कमेंट कर दिया, मैं तो यूट्यूब ही छोड़ के चल लूँगा, बंद कर दूंगा, तो अब इस वीडियो पे भी 1000 कमेंट्स कर देगा ना, कुछ ना कुछ गाली लिख देगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी भी, ठीक है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं सर्टिफाइड हूँ भाई, और मेरे को कोडिंग आती है, वेबसाइट बनानी आती है, वेबसाइट में एडिटिंग करनी आती है, और करी भी है, techvanam.cf वेबसाइट थी, रुको मेरा उसके पास डोमेन था, पर वो मैंने बेच दिया, बिकॉज मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा था, ये फ्री नॉम पे लिया था मैंने शायद, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, फ्री नॉम से लिया था, हाँ मैंने फ्री नॉम से लिया था, और ये वो हो गया, कहते हैं एक्सपायर हो गया, और मेरे को अभी से रिचार्ज नहीं करना, बिकॉज मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के कमेंट्स। और मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी ऑफेंड होते हैं ना इन चीज़ों को लेके, ऑफेंड मत हुआ करो यार, तुम लोकेशन वगैरह कुछ मत लिखा करो अपनी, कि शालीमार दिल्ली लिख दी तुमने, तो ऐसे कोई लोकेशन मत लिखा करो यार, पता नहीं कोई कैसा है और क्या कर सकता है, तो प्लीज़ ऐसे लोकेशन मत लिखा करो, और मैं तुमसे डिमोटिवेट नहीं होने वाला। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।